सतनाम धनवांग गुरु दंडौत बंदन अनुकुबार सर्वकला समरथ दोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ ज्ञान त्यान किश कर्म न जाना सार न जाना तेरी सबते बड़ा सतगुर नानक जिन कल राखी परम सम्मान योग जुग हो जुग अटल सर्वरे कायनात बलिये दो जमान लोक परलोक दे राखे सर्व कला समरथ गुरुआ दा गुरु धार्मिक ग्रंथां दा स्वामी जुग हो जुग अटल चवर शतर तख दे मालक साहिब सतगुरु धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी दे अंदर सुभायमान गुरु सवारे सत्संगियो बट भागे मो धनता दे जोग मो जो धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दे चरणा दे विच पहुंच के अमृत वेले दे दीवान दियां हाजरियां भर रहे हो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दे चरणा दे विच सज के गुरु की बाणी सरवण कर रहे हो दुखा पापां दा नाश करन वाली गुरबाणी जिसनों सुन दे नाल नानक भगता सदा विगास सुनया दुख पाप का नास जिसनों श्रवण करन दे नाल मनुख दे सारे दुख पाप कलेश ने जेडे ओ नाश हो जांदे ने अते सतगुरां दे दर घर दी सेवा करके
अपना ये जो मनुखा जीवन है, इस मनुखा जीवन का जो प्रयोजन है, अपने मनुखा जीवन नू सतगुरां दे दर घर दी सेवा करके सफला बना रहे। क्योंकि गुरमुख प्यारे हो, इह जिहड़ियां चीजां ने ना मनुख नू भागां तो बिना जीव नू प्राप्त नहीं हुंदी। चंगा कर्म जेड़ा है वो भी भागां दे नाल ही जीव नू प्राप्त होंदा। आपां हर रोज गुरु दरबार की हाजरी भरदे आं ते चंगा कर्म करदे आं, क्योंकि सतगुरु जी बचन करते ने, बिन भागा किस पाइया नाही, जे बहु तेरा तावे। कोई भी चीज मनुख नू प्राप्त होंदी है, चंगा कर्म करदा है, घर दे विच खुशी आउंदी है, वह भी भागा दे नाल मिलदी। क्योंकि जे अपने भागा दे विच नहीं तो गुरमुख प्यारियो आपां उस चीज नू प्राप्त नहीं कर सकते। सतसंगत दे विच आउणा, आके गुरु की बाणी सरवण करनी, इस तों वड्डियां भागां वाला संसार दे उपर कोई जीव नहीं। जिस नूं हर रोज गुरु दे दर्शन हुंदे ने, गुरु दे दर्शना रूपी विचार जिहड़ी है वह सरवण करदा है, विचार रूपी दर्शन। कि जे आपां इस तरह कहीए ना कि असी ते हर रोज गुरु घर जाने आ, गुरु दे दर्शन करदे आ, इन्हां दर्शनां दी गल नहीं कीती सतगुरु जी ने। सतगुरु जी कहंदे ने जेड़ा जीव भावना दे नाल, जेड़ा मनुख गुरु दे उपर शरदा रख के भावना दे नाल, जेड़ा गुरु दे दर्शन करदा है, गुरु दे शब्द दी विचार नू सुनदा है, गुरु दे शब्द दी विचार करदा है, जो कुछ संगत दे विच बैठ के उसने सुनिया, उसनू अपनी जीवन दे विच, अपनी जिंदगी दे विच कमाउण दा जतन करदा है, उसनू कहंदे ने दर्शन परसीऐ गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। जिहड़ा गुरबाणी दे विचार रूपी दर्शन करदा है, गुरु दी कही हुई गल नू समझदा है, कि जो गुरु ने सानू समझाउणा कीता है कि भाई माड़े कम्मां नू छड़ के चंगे कम जड़े तेरी दरगाह दे विच जिहड़ी तेरी सहायता करन ओह कम करिया कर। ते हुण दरगाह दे विच सतसंगत दे विच जपिया होया नाम, कीती हुई कमाई सतसंगत दे विच, ते कीती हुई गुरु दे घर दी सेवा, ते इहो दरगाह दे विच प्रवान हुंदी है। इसे ने अपनी दरगाह दे विच जाके सहायता करनी है। अपने कोल इस संसार दे उपर भावें किन्ना भी धन दौलत आपां कमा लईए, किन्नी धन दौलत आपां कमा लईए, पर वह धन दौलत ने अपनी इस संसार दे उपर अपने संसारी पदार्थां दे विच अपनी जरूर सहायता आउंदी है। संसार दियां हर एक चीज़ां आपां पैसे दे नाल खरीद सकदे हां, पर जिहड़ा मन दा सुख है ते वह आपां पैसे दे नाल नहीं प्राप्त कर सकदे, ते वह सुख आपां नूं गुरु दे घर दे विच्चों ही प्राप्त होना, संगत दे विच्चों प्राप्त होना है।
सतसंगत दे विच आके बैठांगे, गुरु दी गल सुणांगे, अपने ध्यान नूं अपनी जिंदगी दे विच ओह गल नूं कमाउण दी कोशिश करांगे, तां आपां नूं ओह चीज़ जिहड़ी है ओह गुरु दे घरों आपां नूं प्राप्त होंदी है। सो इस करके भागां तों बिना जीव नूं कुछ भी प्राप्त नहीं होंदा। गुरु साहब जी बचन करदे ने, बडभागी हर संगत पावै, भागहीन भ्रम चोटां खावै। ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਗਹੀਣ ਜਿਹੜੇ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਭਾਗਹੀਣ ਭ੍ਰਮ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੇ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਰ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ, ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲੰਘਾ ਦਿੰਦੇ। ਬਿਨ ਭਾਗਾਂ ਸਤਸੰਗ ਨਾ ਲੱਭੈ, ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਤਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਭਰੀਜੈ ਜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜੀਵ ਕਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਭਰੀਜੈ ਜੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਲੜੀਵਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਨੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਕਰੋ ਪਵਿੱਤਰ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਈਏ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਵੇ, ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਅਖਵਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਬਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੁਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਲਵੰਡੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਤਕ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਬਰਖਾ ਦੀ ਰੁੱਤ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੌਣ ਭਾਦੋਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਠੰਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਠੰਡ ਦੀ ਰੁੱਤ ਆ ਗਈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਿਰਤੀ ਕਰਕੇ ਇਕਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਬਿਰਤੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੰਮੇ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ
कोई साधु महात्मा कोई रब दा प्यारा ते आउंदा ते उन्हां दी संगत करन वास्ते चले जांदे ते उत्थों संगत करके आके परमेश्वर दे घर दीआं कथा कहानियां सरवण करके ते आके गुरु नानक दे महाराज सतगुरु जी उस तरह अपने घर दे विच लम्मे पए रहिंदे ने, ना किसी दे नाल कोई बोल चाल, ना किसी दे नाल कोई गलबात, ते दिन रात अपने मुंह दे उपर कपड़ा लेके पए रहिंदे ने। हुण संसार दे सब काम छड के गुरु नानक दे महाराज सच्चे पातशाह जी ने विरक्तां वाली बिरती धारण कर ली। ते हुण जिन्हां मनुखां नूं जिन्हां पुरशां नूं गुरु नानक दे महाराज सच्चे पातशाह जी दे बचन सुनन दी अभलाखा हुंदी सी, जिन्हां नूं बचन सुनन दी भुख हुंदी सी ना, ते ओह गुरु नानक दे महाराज सच्चे पातशाह जी दे कोल आके बैठदे सन। ते गुरु नानक दे महाराज सतगुरु जी उहनां दे नाल इस तरह गल्लां करदे सन कि जिवें उहनां नूं जाणदे नहीं हुंदे, बेपछाण हुंदे। ते जदों गुरु नानक दे महाराज सच्चे पातशाह जी दी इह हाल जदों गुरु नानक दे महाराज सतगुरु जी दा माता तृप्ता जी ने वेख्या ना, ते मन दे विच बड़ी चिंता हो गई माता तृप्ता नूं। ते एक दिन गुरु नानक दे महाराज सच्चे पातशाह जी एकांत दे विच बैठे सन, ते माता तृप्ता जी ने आण के क्या कहण लगी कि पुत्र कि की गल है कि इस तरह तुसी फकीरां वांग एक पासे बैठे रहिंदे हो, ना किसी दे नाल तुसी गल करदे हो, अपने घर दा कम कार दिल ला के करिया कर, तेरा मन जिहड़ा है तेरा जी जिहड़ा है वह लग जावे। ते माता तृप्ता कहन लगी जे खेती करन नूं मन नहीं करदा ते कोई वणज व्यापार दा कम कर लवो, कम करोगे ते तुहाडा दिन जिहड़ा है वह चंगा बतीत हो जाया करेगा, तुहाडा जी लग जावेगा। कमाई करोगे, धन खटोगे, धन कमाओगे, ते तुहानू कम करदिआं नू वेख के कोई खत्री अपनी धी का रिश्ता जिहड़ा है वह तुहानू दे देवे। जे तुसी हुण इस तरह अपने घर दे विच लम्मे पए रहे, कोई कम ना कीता, ते तुहानू वेलिआं वेख के ते सानू साग संबंधी रिश्तेदार पिंड दे ते सारे सानू लोग गल्लां करदे ने कि मैता कालू दा पुत्र जिहड़ा है वह नलायक है, जिसनू कोई कम करन दी समझी नहीं, लोकां दीआं इह गल्लां जिहड़ियां लोक गल्लां करदे ने। पुत्रा कहण लगी माता तृप्ता कि इह साडे तीर वांगू वजदियां ने, ते कहण लगी पुत्रा तुसी फकीरां दी संगत छड के ना अपने भाईचारे दे नाल, अपने संबंधियां दे नाल, अपने नाल दे यारां मित्रां दे नाल तुसी खेड्या करो, तुसी उहनां दे विच बैठिया करो, उहनां नूं वेख के जिस तरह वह घर दे कम काज करदे ने ते तुसी भी अपने घर दे कम काज करने सिखो। गुरु नानक दे महाराज सच्चे पातशाह जी ने माता जी दे बचन सारे सुने, पर मूंह दे उत्ते कपड़ा लेके गुरु नानक दे महाराज सच्चे पातशाह जी चुप चाप उसे तरह पए ने। ते अपनी माता नूं कोई उत्तर ना दिता। ते गुरु नानक दे महाराज सच्चे पातशाह जी दिन रात चुप चाप घर दे विच लम्मे पए रहिंदे ने, खाना पीना भी चंगी तरह नहीं, जिस करके गुरु नानक दे महाराज सच्चे पातशाह जी का शरीर सी ना जिहड़ा वह निर्बल होना शुरू हो गया,
क्योंकि जदों खुराक बंद हो गई तो शरीर कमजोर होना शुरू हो गया। तो एक दिन माता जी ने बड़ी चिंता दे नाल होके पुछया, कहन लगी कि पुत्रा तेरा शरीर बड़ा निर्बल, तेरा शरीर बड़ा कमजोर हो गया है, तेरे मूंह दा रंग भी बदल गया है। कहन लगी कि जे तैनू कोई रोग लगदा है ते तू दसदा क्यों नहीं, उस रोग दा इलाज करवा लईए। जद गुरु जी ने माता दियां इन्हां गल्लां दा कोई उत्तर ना दिता तां माता जी ने बाहों फड़ के आख्या, कहन लगी कि पुत्रा तू अपना दुख सानू दसदा क्यों नहीं कि तैनू की बीमारी है। किसी सियाने वैद नूं हकीम नूं बुला के मैं उस तों तुहाडा इलाज करवा देनी आ। पर गुरु नानक दे महाराज जी ने माता नूं कोई उत्तर ना दिता ते चुप चाप उस तरह बैठे रहे। जदों इस तरह की मस्तानी जी दशा, मस्ताना जिहा हाल देख के सारे साग संबंधी मेहता काली जी नूं कहन लगे कि पटवारी तेरे पुत्र नूं कोई बड़ा वड्डा रोग लगदा है, बड़ा सख्त रोग है ते ये निश्चिंत फिर रहा है, इहदा इलाज तू क्यों नहीं करवाउंदा, वैद नूं सद के इहदा इलाज करवा। कहन लगे कि तू दिन रात धन दे लालच दे विच लग्या रहना है, सूंपणा करदा है, अपने पुत्र दा इलाज क्यों नहीं करवाउंदा। ते जदों सरीका भाईचारे दियां इस तरह दियां गल्लां सुन के ना ते मेहता कालू जी ने अपने छोटे भरा लालू जी नूं वैद नूं, वैद हरदास नूं सद के लिआउण वास्ते कहा। ते लालू जी ने वैद हरदास जी नूं सद के लै आउंदा ते जद वैद गुरु नानक दे महाराज सच्चे पातशाह जी दे कोल आके बैठ के गुरु दी नबज फड़ के वेखण लगे ना तो गुरु जी उठ के बैठ गए। कहन लगे कि वैद जी कि तुसी मेरा हाथ फड़ के की वेखदे हो। ते वैद ने क्या कहन लग्या कि मैं तुहाडी नबज चैक करदा ना, मैं तुहाडी नबज तो वेखदा ना कि तुहानू केड़ा रोग लग्या होया, तुहानू पित्त है जां बाई है जां बलगम है जां तुहाडे खून दे विच कोई खराबी है, इन्हां विचों जेड़ा रोग मैं वेखांगा उसका मैं इलाज कर देवांगा, तैनू भुख भी चंगी तरह लगेगी, तेरे शरीर की जिहड़ी सुस्ती है वह भी दूर हो जाएगी। ते जदों वैद ने यह बचन कहे ना ते वैद दे बचन सुन के गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी कहन लगे, वैद बुलाया वैद की पकड़ टंडोले बां, भोला वैद ना जाने करक कले जे माहे। भाव के वैद नू इलाज करन वास्ते सद्या ते ओ बां फड़ के गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी दी नाड़ी लभण लग पिया। पर भोला वैद यह नहीं जानता कि दर्द कलेजे दे विच है, भोला वैद ना जाने करक कलेजे माहे कि दर्द तो कलेजे दे विच है। कहन लगे गुरु नानक देव महाराज के वैद जी त्यों सियाणा वैद तां है ते कहन लगे कि पहला तू अपने रोग की पहचान कर, पहला रोग नू पहचान के एक केड़ा रोग है, फिर ऐसी कोई दवाई लभ जिस दे नाल सारे रोग दूर हो जाने ते शरीर जेड़ा है वो सुखी हो जाए। पर जे तू पहला अपना रोग हटा लवे ता तू सियाणा वैद अखवाएगा। गुरु नानक देव महाराज कहन लगे,
मेरा इलाज करन तो पहला तेनू जेड़ा रोग लग्या होया है ना, तू अपने रोग नू हटा लवेंगा ना जे, ता तू सियाणा अखवाद अबैद अखवाएंगा। भाव के कहन लगे कि जेड़ा पहला तो हौमै दा रोग सब किसे नू लग्या होया है, हर एक दे अंदर हौमै दा रोग लग्या होया है। अते कहिंदे जगत दे संसार दे जीवां दा जन्म मरण दा जो कारण है ना, वो एक सब तो बड़ा रोग है हौमै दा, हंकार दा। कहिंदे वो किसे इलाज दे नाल दूर नहीं हुंदा, इस रोग नाल रोगी होए बैद। पहला कहिंदे जद तुहानू आप जी नू ए रोग लग गया है, कहन लगे गुरु नानक देव महाराज कि जदों तुहानू ए हौमै दा रोग लग्या होया है तां फिर तुसी दूजियां नू इस रोग तो किस तरह अरोग कर सकते हो। हौमै दा रोग पहला सब तो तैनू लग्या होया है, पहला अपना रोग ठीक कर फिर मेरा रोग ठीक करी। जिस दवाई दे नाल हौमै चली जावे, शरीर नू सदीवी सुख हो जावे, ओ दवाई जे कोई करके अपना रोग नाश कर देवे तां कहण लगे गुरु नानक देव महाराज कि ओही सियाणा वैद है, ओ जन्म मरण तो छुट जावेगा ते फिर उस रोग नू उसनू कोई रोग नहीं लगेगा। जद वैद जी ने यह विचार सुनी ते हैरान हो के कहन लग्या, मन दे विच गल करन लग्या, कहन लग्या सोचदा है कि मैं कईयां पुरशां पासों मैं तुहाडी इन्हां दी सिफत सुनी सी, पर अज तां मैं अपनियां अखां दे नाल मैं कौतक वेख ले, इह सत दा अवतार है, इस संसार नू तारन वास्ते इस संसार दे उपर पैदा होए ने, इस संसारी जीवां दा निस्तारा करन वास्ते आए ने। ते ए गल विचार के स्याणे वैद ने हाथ जोड़ के बेनती कीती, कहन लग्या कि सचे पातशाह तुहाडे बचन सुन के मेरी अंदर दी हौमै सी ना जेड़ी, मेरी अग्ञानता सी जेड़ी, वो दूर हो गई है, ते आप कृपा करके मेरे मन दा रोग जेड़ा है ना वो दूर कर दियो, ते मैनू सिमरन दी दात जेड़ी है वो बख्शिश कर दियो। ते बैद दी ए बेनती सुन के सतगुरु धन श्री गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी कहन लगे कि भाई बैद हरदास जी, कहन लगे कि सतसंगत करया करो, साधु महात्मा दी संगत दे विच बैठिया करो, जिथे परमेश्वर दे नाम दी गल हुंदी होवे, जिथे हौमै नू छड्डण दी गल हुंदी होवे, जिथे नाम जपण दीआं मुक्तियां जुगतियां दसियां जांदियां होण, उस सतसंगत दे विच बैठ के सिमरन करिया कर, उहदी सिफत सलाह नू सरवण करिया कर। ते कहण लगे जदों इस तरह करेंगा ना, साधुआं दी सतसंगत करिया करेंगा, ते कहण लगे साधुआं दी संगत दे विचों थोड़े दिनां दे विच ही तैनू जिहड़ा हौमै दा रोग लग्या होया है ना, ते ओ हौमै दे रोग तो तू अरोग हो जावेगा, ओ हौमै दा रोग जिहड़ा है ओ तेरा हट जावेगा। ते वैद हरदास ने जदों ये उपदेश लैके गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी दे चरणा ते विच नमस्कार कीती, ते गुरु दी उपमा करदा होया, गुरु दी महिमा करदा होया, आग्या लैके गुरु दे कोलों अपने घरां नू चलिया गया। ते उस दिन तो बाद असबिद बैद उधार कर, श्री गुरु करना खान सदा बदन ते नाम जपो, धरो हृदय नित ध्यान। ते गुरु नानक दे महाराज सच्चे पातशाह जी दे कोलों उपदेश लैके बैद हरदास, जिहड़ा गुरु नानक दे महाराज सच्चे पातशाह जी दा इलाज करन वास्ते आया सी, ते पर
गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी ने क्या कहन लगे कि तू ते आप रोगी है, तू किसे दा की इलाज करेगा। तो गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी दे कोलों उपदेश लेके ते सतसंगत करनी आरंभ कर दिती। तो गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी दी कृपा दे नाल अपना जीवन जिहड़ा है ते ओ बैद हरदास जी ने उस अकाल पुरख वाहिगुरु दे चरणा दे नाल जुड़ के अपना जीवन सफल बनाया। सो ए सी गुरमुख प्यारियो अज दे पावन पवित्र इतिहास जो गुरु नानक देव महाराज जी दी मेहर दे नाल बेशुमार अथाह अगंत अतुल है, ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। जिमें जिमें गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी कृपा करते ने सो गुरमुख प्यारियो बद चढ़ के संगता पाई अमृत वेले दे दीवान दियाँ हाजरियाँ भरिया करो, सतगुरां दे दरबार दी हाजरी भर के गुरु की बाणी गुरु का इतिहास उस अकाल पुरख वाहिगुरु दे दर कर दी सिफत सलाह सरवण करके अपने समय नू अपने सुवासा नू अपने इस मनुखा जीवन नू सफला बनाइए। गुरु वाले बनो अमृत छको सिंह सजो, उस अकाल पुरख वाहिगुरु दा सिमरन करके इस संसार भवसागर तो पार होना करो। सो आओ इनियां कु बेनतियां प्रवान करनियां जी, होइयां बेअंत भुलां दी खिमा, लोक सुखिए पर लोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपै मेले। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।